तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेगाउस पे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे चैनल पर काफी बढ़िया आपको यहाँ पर हमेशा रिव्यूज देखने को मिलते हैं और अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पर वीवो की आज बात करने वाले हैं। वीवो के वाई सीरीज आपने देखी होगी, यहाँ पर अभी वाई 12, वाई 15 और वाई 17 के बाद कंपनी ने कर दिया यहाँ पर रिलीज वाई 19। या दोस्तों आपको मेरे हाथ में दिख रहा वीवो का यहाँ पर साइन काफी बढ़िया आपको दिख जाता है। एक तरफ मेरे हाथ में दिख जाता है आपको यहाँ पर इसका व्हाइट कलर, दूसरा ही मेरे पास यहाँ पर नेवी ब्लू टाइप का कलर है, काफी बढ़िया यहाँ पर पीछे कलर की शाइनिंग कर रहा है। तो इन दोनों के बात करने वाले आज फुल डिटेल रिव्यू आपको मैं देने वाला हूं कि दोनों फोन में क्या डिफरेंस इस बार आपको मिलने वाला है। मिड रेंज प्राइस है, मतलब प्राइस एक एक्सपेक्टेड कम प्राइस में काफी बढ़िया आपको फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स थोड़ा सा इसका पहले बॉडी की बात कर लेंगे, किस तरीके का आपको यहां पर चीजें दिख रही होगी। आपको यहां पर दिख रहा है हमारा ट्रिपल कैमरा का स्लॉट आपको दिख रहा होगा यहां पर कि भाई ट्रिपल कैमरा का स्लॉट मिल जाता है। इसमें प्राइमरी लेंस आपको मिलने वाला है वो मिल रहा है हमारा 16 मेगापिक्सल का, वहीं सेकंड जो हमारा कैमरा है वो मिल जाता है आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शॉट के लिए और 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जिससे कि पोर्ट्रेट शॉट काफी बढ़िया आने वाले हैं। मतलब कि कैमरा क्वालिटी इतनी ज्यादा दमदार नहीं, लेकिन दोनों ही फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिल जाता है। लेकिन जो खास बात इसकी ये कि इस पे जो यहां पर इन्होंने गोल्ड कलर की यहां पर जो लेयर आपको शो हो रही है दोनों ही फोन के अंदर, वो काफी ही अट्रैक्टिव बनाती है इस फोन के लुक को। तो यहां पर पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है दोनों ही फोन के अंदर, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ पीछे बैक साइड पे हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी इसमें देखने को मिल जाती है। तो कलर काफी बढ़िया है। और यहाँ पर साइड की बात करें तो दोनों ही फोन के अगर कीज देखें तो यहाँ पर आपको की नजर आ रही होगी और वॉल्यूम जैक आपको दोनों ही फोन के ऊपर मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें लॉक का सिस्टम मिल जाता है। और इसी की तरह साइड की बात करें तो इसमें देखा होगा आपने कि इधर सिर्फ एक नॉर्मल हमारा सिम जैक टूल के मिल जाता है। और नीचे की साइड तरफ देखें, नीचे की तरफ दिखा दूं आपको कि यहाँ पर आपको यहाँ पर स्पीकर जैक और हमारा मिल जाता है यूएसबी चार्जर। इस बार इसमें टाइप सी चार्जर भी इतना खास नहीं है और 3.5mm का आपको हेडफोन जैक भी मिल जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स दोनों हैंड में मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने एक फोन को साइड में, तो एक फोन को लेके हम पूरा इनकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसके काफी ही बढ़िया हमें यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल रही है, फिंगरप्रिंट आपको पीछे की साइड मिल रहा है, ट्रिपल कैमरा का स्लॉट मिल रहा है, एलईडी फ्लैश भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी गोल्ड रिंग दी है जो कि इसको काफी ही यूनिक बनाती है हमारे पीछे के अट्रैक्टिव लुक को। तो जैसा कि फ्रेंड्स अगर इसके प्रोसेसर की बता दूं मैं आपको थोड़ा सा बात करने से पहले इसकी अंदर की, तो इसमें प्रोसेसर आपको मिलने वाला 712 का स्नैपड्रैगन का, मतलब कि प्रोसेसर थोड़ा अच्छा है लेकिन कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी आपको कम मिलती है। मतलब गेमिंग के लिए एक तरह से फोन काफी बढ़िया, एक मिड रेंज में अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया फोन आपके हाथ में लगने वाला। जैसे कि फ्रेंड्स ये फोन थाईलैंड में भी यहां पर लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है। तो अगर देखा जाए इसकी बात करें तो काफी बढ़िया एक मिड रेंज में आपको काफी बढ़िया चीज मिलने वाली है। 5000mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिल जाएगी काफी ही बढ़िया, वो भी साथ में साथ 18W के फास्ट चार्जर के साथ साथ, मतलब कि बैटरी भी बड़ी है और साथ में स्नैपड्रैगन भी काफी अच्छा है। एक मिड रेंज मतलब कि एक्सपेक्टेड जो प्राइस इसकी बताई जा रही है वो आपको दिख रही है लगभग 15 से 16 हज़ार या 14-15-16 के बीच में ये फोन आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल होने वाला है। काफी बढ़िया फोन मुझे अट्रैक्टिव लुक दे रहा है यहाँ पर काफी ही पीछे की तरफ से। और आप देखें इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन के और नजर आ रहे हैं तो हैव अ लुक। तो फ्रेंड जैसे कि थोड़ा सामने की तरफ भी बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीवो वाई 19 के यहाँ पे हमें एक दिख जाती है ब्रांडिंग कंपनी की, और ऊपर की तरफ यहाँ पे वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिल जाता है। ऊपर की तरफ सेल्फी हमें मिलने वाली है 16 मेगापिक्सल के, सामने की तरफ भी हमें इसके अंदर एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है काफी बढ़िया। और ऊपर ही यहाँ पर स्पीकर जैक, ये एक मेरे पास एक डमी फोन आया है अभी, इसकी जल्दी से अगर आप चाहते हैं कि हमारे फोन पे अनबॉक्सिंग हो जाए इसका कैमरा रिव्यूज की भी अगर जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो जल्दी से जाकर कमेंट में कमेंट करके बताएं, उसी से रिलेटेड हम अपने चैनल पर फटाफट से वीडियो बनाने वाले हैं। और फ्रेंड जो भी आपके दिमाग में कुछ भी क्वेरीज है, कौन सा भी कंपनी जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसी के रिलेटेड आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो कंटेंट लाते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, टेकआउट की फैमिली के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और देखते रहिए इसी तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमारे अपने चैनल पर।